एकेडमी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड के छठे लेक्चर के साथ। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे जो डिफरेंट शेप्स जो बनाई जाती हैं मुख्तलिफ, जिसमें फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाए जाते हैं, या कोई भी किसी किस्म के आप पेपर में कुछ शेप बना के दे रहे हैं बच्चों को, तो वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है और उनकी मज़ीद उसमें किस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील जानते हैं। चलें शुरू करते हैं। टेबल का जो है कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में जो है सीख चुके हैं। पिछला लेक्चर लाजमी करें, टेबल बहुत अहम था और उसकी असाइनमेंट करें। आज हम सीखते हैं शेप्स के मतलब। तो शेप्स ड्रा करना, डिज़ाइन करना इंतहाई आसान है। आपने कोई भी ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, इसमें आप देखें ये रिसेंटली यूज शेप्स हैं, लाइंस हैं हर किस्म की, रिक्टेंगल्स पड़ी हुई हैं, बेसिक शेप्स हैं, ठीक है। हर शेप पे जाते हैं आपको उसका नाम आता है, ये डायमंड शेप है, ठीक है, पेंटागॉन है, ऑक्टागॉन है, फ्लो चार्ट्स के लिए है, एरोज़ हैं हर किस्म के, इक्वेशन शेप्स बनी हुई हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स हैं जो बैनर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें बैनर्स हैं। तो जो भी शेप आपने ड्रा करनी है उसको जस्ट सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है। जब भी आप एक बेसिक शेप बनाते हैं उसका ये ब्लू सा कलर होता है, ठीक है, उस पर ये वाले एरो जो साइड्स पे हैं इनको हम रीसाइज एरोज कहते हैं। हम शेप को रीसाइज कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, शेप को, शेप चेंजर लगा हुआ है ये येलो बटन, आप शेप को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये रोटेट बटन है, इसे आप शेप को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। जो ही आप शेप को सेलेक्ट करते हैं उसके साथ एक फॉर्मेट जो है वो मेन्यू ओपन हो गया है। अब फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं और शेप्स हैं मज़ीद, वही शेप्स यहाँ पे साथ ओपन हो गई है कि आपको बार बार इंसर्ट में ना जाना पड़े। आप यहाँ से कोई भी शेप और भी ड्रा कर सकते हैं। शेप के बाद नेक्स्ट इसमें चेन शेप है। अगर आपने ये शेप ली है लेकिन ड्यूरिंग शेप डिज़ाइन करते हुए आपको ये नहीं ये शेप चाहिए, कैन चाहिए, तो देखें शेप चेंज हो गई है। अगर आप इसमें कुछ और मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करें, अब आप शेप को कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स लग गए हैं, बिल्कुल आप शेप को जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एडिट कर सकते हैं। एडिट शेप पॉइंट के बाद ये आपके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन अगर आप किसी शेप में खुद से कुछ भी राइट करना चाहते हैं, जैसे शेप में हम बॉक्स सिर्फ सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से टाइप कर दें, मैंने इसमें बॉक्स लिख दिया, लिखे हुए को सेलेक्ट करें, वही होम, वो मेन्यू आपको आता है, आप उनके साइजेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, सारी जो ऑप्शंस हैं वो वही हैं जो आप पहले यूज़ करते रहे हैं। शेप के स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ, कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, आप जिस स्टाइल को क्लिक करते हैं वही स्टाइल आपका बिल्ट हो जाता है। 3D स्टाइल्स हैं, ब्लैक कलर में है, ग्रीन कलर में है, डिफरेंट स्टाइल्स को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल है, शेप फिल में आप सिंपल कलर फिल कर सकते हैं, मोर फिल कलर्स में चले जाएं, आप कलर खुद से बनाकर एडिट करके आप जो कलर फिल करना चाहें वो कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। आप किसी भी शेप में पिक्चर्स फिल कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर, जो भी ऑफलाइन आपकी पिक्चर पड़ी हो किसी किस्म की भी, आप उस शेप में फिल कर सकते हैं। ब्राउज कर लें जहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई है, उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। किसी भी शेप में आप कोई पिक्चर फिल कर सकते हैं,
क्योंकि हम शेप फिल वाली ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट्स हैं डिफरेंट कलर्स की। अब अगर आप मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएं, आप इन ग्रेडियंट्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी ग्रेडियंट्स लेनी है। आपने ये ग्रेडियंट्स सेलेक्ट की, कलर्स आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये रेड कलर देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके साथ ग्रीन कलर देना चाह रहा हूँ। तो आप खुद से कोई भी जो है ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हैं। आप कोई टेक्सचर्स, बिल्ट इन टेक्सचर्स पड़े हुए हैं, कोई भी टेक्सचर जो है उसको भी आप सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। तो ये शेप फिल था, कलर्स, पिक्चर्स, ग्रेडियंट्स और टेक्सचर्स, इन सब को आप जो है ना शेप में फिल करके कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। शेप आउटलाइन है, आप किसी भी शेप के आउटलाइन जो है उसको थिक कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हैं, शेडो इफेक्ट देना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन इफेक्ट देना चाह रहे हैं, बहुत से ये ड्राइंग की ऑप्शंस जो हैं वो पड़ी है। जो ही आप कोई भी शेडो का इफेक्ट क्लिक करेंगे तो वैसा शेडो जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेडो में ही जाते हैं और उनकी शो ऑप्शंस में जाके मोर ऑप्शंस चेक करते हैं, तो आप कोई सा भी शेडो का स्टाइल लें, आप शेडो का डिस्टेंस क्या रखना चाह रहे हैं, ये देखें ये शेडो जो है ये निकल रहा है उसमें से। आप शेडो का एंगल चेंज करना चाह रहे हैं, आप जिस एंगल पे चाहें, आप शेडो को ब्लर करना चाह रहे हैं या आप उसको थिक करना चाह रहे हैं, सिंपल ज़रा बिल्कुल ब्लर नहीं करना चाह रहे, साइज़ शेडो का ऑब्जेक्ट से बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ तक के शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, आप शेडो का कलर देना चाह रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं इफेक्ट्स के अंदर, आप ग्लो करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप इन सारी ऑप्शंस को यूज़ करके देख सकते हैं। सिंपल है, उनमें क्लिक करें, उनके मोर ऑप्शंस में जाएं और उनको यूज़ करें। जो आपने इस शेप में लिख लिया, लिखने का तरीका वही, आपने सिर्फ शेप को क्लिक करना है। शेप को क्लिक करने के बाद उसमें आपने टाइप कर देना है, जो भी आप टाइप करना चाहें उसमें टाइप कर सकते हैं। शेप में टेक्स्ट जो लिखा है, सिर्फ टेक्स्ट के वर्ड स्टाइल दिए हुए हैं उन्होंने, आप जस्ट टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ये बॉक्स लिखा है, इसको मैं रेड कलर में करना चाह रहा हूँ, ये देखें सिर्फ टेक्स्ट का स्टाइल। आप टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट को स्टाइल्स देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को शेडो देना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप जो भी स्टाइल लेंगे उसी स्टाइल में वो चेंज हो जाएंगे। अलाइनमेंट्स हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट में लिखना चाह रहे हैं किसी भी बॉक्स के अंदर, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, मुख्तलिफ किस्म की उसकी डायरेक्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो बहुत अहम है, रैप टेक्स्ट। आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, आप अब एक शेप लेते हैं, इस शेप को आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट के साथ, ये बहुत अहम ऑप्शन है, ज़ाहिर है आप नोट्स तैयार करते हुए,
आप अपनी असाइनमेंट्स तैयार करते हुए शेप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। स्केयर करें, ये देखिए टेक्स्ट जो है स्केयर में बिल्कुल पीछे पीछे हट गया है और आपकी शेप जो है ना वो टेक्स्ट में एडजस्ट हो गई है। स्केयर है, टॉप एंड बॉटम है, अगर टॉप एंड बॉटम करेंगे तो टेक्स्ट टॉप और बॉटम में रहेगा, आपके शेप के साथ एडजस्ट ही होगा। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं तो टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा और शेप पीछे चले जाएगी। बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में पिक्चर देना चाह रहे हैं या शेप देना चाह रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आपकी शेप फ्रंट ऑफ फ्रंट पे आ जाएगी टेक्स्ट पे। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये आप करके देख सकते हैं। अगर आप स्केयर में करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो स्केयर में हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये थोड़ी सी ऑप्शंस हैं सिंपल सी। आपने कोई सी भी दो शेप्स ली हैं, इसका मैं कलर ज़रा तेज चेंज कर देता हूँ। ये अब इस शेप के फ्रंट पे है, अगर हम सेंड बैकवर्ड करते हैं तो वो शेप पीछे चलेगी। अगर हम उस शेप को सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो शेप आ जाएगी, उसके फ्रंट पे आ जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं और किसी भी शेप को ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम पाकिस्तानी फ्लैग बनाने लगे हैं तो उसके लिए हमें फोर ऑब्जेक्ट चाहिए। दो रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए, एक में ग्रीन कलर चाहिए और एक में वाइट कलर। एक हमें जो है वो मून चाहिए। आप इसके इसमें जो फिल कलर है वो भी वाइट कर दें और जो आउटलाइन है वो भी वाइट कर दें। स्टार, स्टार भी हमें बिल्कुल सेम स्टाइल में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताता हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ। अभी देखिए स्टार का भी हमने वही स्टाइल करना है जो मून का है, क्योंकि उसमें फिल कलर और आउटलाइन। तो होम में एक मैंने आपको फॉर्मेट प्रिंटर करवाया था जो एक स्टाइल को कॉपी करके किसी भी दूसरे के ऊपर जो है ना स्टाइल अप्लाई कर देता है। तो आप इसको भी सिलेक्ट करके उस शेप को क्लिक कर दें, वो सेम जो है वो शेप बन जाएगी। अभी हमारे पास फोर ऑब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तानी फ्लैग बनाने के लिए। अब फोर ऑब्जेक्ट्स जो ही हम इधर साइड पे करेंगे या कहीं भी इनको उठा के लेके जाएंगे तो वो तो सेपरेट सेपरेट है। तो अगर आप इनको ग्रुप करना चाह रहे हैं तो ग्रुप करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करनी है। शिफ्ट क्यों प्रेस करना है? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं शिफ्ट के बगैर, ये बात याद रखनी है। शिफ्ट के बगैर तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते और ग्रुप में जाके आपने इसको ग्रुप कर देना है। ये देखिए आपका एक पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको आप साइज छोटा करें, तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही साइज़ में छोटे होंगे। आप इसको जाकर कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखें आपका कॉपी पेस्ट हुआ है बिल्कुल सेम। तो आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और इसको ग्रुप करने के बाद अगर आप फिर से आपको आप उसको सेलेक्ट करें वहीं पे ऑप्शन में जाएं और अनग्रुप कर दें तो आप फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट उसके अलग-अलग ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। साइज है, आप किसी भी बॉक्स का क्या साइज देते हैं, रीसाइज करने के लिए पॉइंट भी हैं, लेकिन यहाँ से भी आप उसको कम ज़्यादा इंचज़ में साइज दिए हुए हैं। अभी 2 इंच जो है विड्थ है और 1 इंच जो है आप कोई भी शेप को स्पेसिफिक, जैसे फॉर्म तैयार कर रहे हैं उसमें आपने पिक्चर का बॉक्स बनाना है तो स्पेसिफिक जो है वो दिया जाता है कि इतने बाय इतने इंच का, फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 इंच का जो है एक बॉक्स दिया जाएगा। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब एग्जैक्ट ये 1 बाय 1 इंच का बॉक्स जो है ना वो हो गया। लिखने के लिए आप 1x1
जी, ये थी डिफरेंट शेप्स जो आज हमने सीखी। अब इसकी प्रैक्टिस करें, ऐसे में नहीं कि फालतू ही शेप्स बना बना कर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके फ्लो चार्ट बनाएं या मैं असाइनमेंट देता हूँ उसको डाउनलोड करें और वैसे बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ में ये वो असाइनमेंट्स बनाते हुए, बच्चों के पेपर्स बनाते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हुए इंशाल्लाह काम आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।